हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज की वीडियो पोस्ट फेस्टिवल ब्लूज को लेके है। वाइब्रेंट कलर, डेकोरेशन, रिच यम्मी फूड, हसल एंड बसल के बाद एक एक्सट्रीम बोर्डम एंड लेथर्जी फील हो रही है कम ज़्यादा हम सभी को। ये बोर्डम जो है या मंडेननेस जो है, इसको दूर करने की एक ही तरीका होता है, घर को फिर से रीडेकोरेट करना। बट अभी हमने स्पेंट किया है फेस्टिवल के पहले, कहीं सारे चीज़ें लिए हैं, तो स्पेंट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें इस टाइम में। और बहुत ज़्यादा टाइम भी हम इन्वेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जो रेगुलर लाइफ है हमारी, वर्किंग लाइफ जो भी है, वो शुरू हो चुकी है। इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ज़ीरो बजट आइडियाज़ एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग आइडियाज़, जो बहुत ही जल्दी आपकी घर की मूड फिर से दूसरा बना देगी और आपको बहुत ही अच्छे लगने लगेंगे। तो फिर चलिए, उसके पहले एक चाय की सिप ले लेते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो शुरुआत मैं क्लीनिंग से करूंगी, क्योंकि एक क्लीन कैनवस आपकी इमेजिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से डिस्प्ले करती है। तो डीप क्लीनिंग जो है वो मैंने कर ली थी इससे पहले, तो आप भी घर को रीडेकोरेट करने से पहले एक डीप क्लीनिंग कर लीजिए, क्योंकि एक क्लीन घर बहुत ही अच्छा दिखता है, फील भी अच्छे होते हैं। अभी मैं जो कर रही हूँ, मैं ऊपर का जो डेली का क्लीनिंग है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और उसके बाद फिर हम घर को अच्छे तरीके से डेकोरेट करेंगे। तो मेरी सेकेंड आइडिया है प्लेसमेंट चेंज। तो छोटी मोटी जो फर्नीचर होते हैं, ये जो लाइट वेट फर्नीचर होते हैं, तो क्लीनिंग के टाइम में हम लोग उसे हटा के साफ़ करते हैं, यूजुअली फ्लोर या वॉल जो हो गए, तो उसे आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, उसके जो प्लेसमेंट है वो चेंज कर सकते हैं। उससे क्या होता है, एक लेआउट में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, और कभी कभी हो जाता है कि अच्छा लगता है जो पहले का जो अरेंजमेंट है वो शायद उतना अच्छा नहीं था। जैसे कि मेरा ये जो विंग चेयर थी, ये मैं थोड़ी सी डिफरेंट साइड में रखा है, तो प्लेस कुछ अलग सा ही अच्छा ही दिख रहा है। और आप में से किसी ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि आप अपना विंग चेयर कहीं दूसरे जगह पे रख सकते हैं, तो मैं एक बार कोशिश कर रही हूँ, और हाँ अच्छा लग रहा है, खुला खुला भी लग रहा है, तो कुछ दिन इस तरीके से मैं रखने दूंगी और उसके बाद शायद फिर से चेंज करूँगी, देखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया होता है, और कुछ दूसरे जो डेकोर आइटम्स हैं उसकी भी आप प्लेस को थोड़ा सा इधर उधर कर दीजिए, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप नए नए चीज़ें ले ले। तो यहाँ पे मैंने वही सारे जो डेकोर आइटम्स से मैंने सजाया था लास्ट जो मेकओवर किया था, बस वही मैं यूज़ कर रही हूँ, जस्ट उसकी प्लेस जो है इधर से उधर कर रही हूँ, और उससे एक काफ़ी बड़ा सा चेंज आ रहा है, आप देख सकते हैं। सो माई नेक्स्ट आइडिया इज़ कलर थेरेपी, और इसके ज़रिए हम कुछ कलर इनकॉर्पोरेट करेंगे जो कलर आपको पसंद है, और ये इंस्टेंट आपकी मूड को लिफ्ट करता है, आपके घर के जो मूड है उसको लिफ्ट करते हैं। तो किस तरीके से आप कलर ऐड कर सकते हैं, तो सिंपल तीन तरीका है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। फर्स्ट जो है फैब्रिक चेंज, कुशन की जो कवर है या कुछ कवर, सोफ़ा कवर है, थ्रो है, उसकी कलर में आप चेंज ला सकते हैं। जैसे कि एक प्रोटेक्टर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, आप देख रहे हैं सोफ़ा में, तो वो वाइट है। तो पोस्ट फेस्टिवल क्या होता है कि बहुत सारे कलर्स देख के हम लोग थोड़ा सा थक जाते हैं, तो थोड़ा सा म्यूट कलर को हम लोग यूज़ करेंगे, न्यूट कलर्स को यूज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली मैंने कुशन वही रखा है, बट जस्ट इंटरचेंज कर दिया है, दूसरी जगह से और एक जगह पे लेके आए हैं। तो जो सेंटर टेबल के जो रनर थे उसको भी मैंने चेंज कर दिया है, और देखिए इंस्टेंटली एक बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है। तो सेकंड पॉइंट मैं आपके साथ जो शेयर करूँगी कलर थेरेपी की, वो है एक नुक चेंज। कोई एक पर्टिकुलर नुक आप ले लीजिए,
वो कोई शेल्फ हो सकता है, जैसे मैंने ये जो क्रॉकरी यूनिट है उसकी जो ऊपर का जो पोर्शन है ये जगह मैंने चूज़ किया है। सो यहाँ पे क्या करूँगी, मैं एक कलर थीम मेंटेन करूँगी, उस कलर थीम को मेंटेन करके सजाऊँगी। सो कौन सी कलर थीम आप यहाँ पे चूज़ करना चाहते हैं वो टोटली डिपेंड करता है आपकी मूड के ऊपर। यूजुअली मैं कहूँगी कि अगर आप कुछ भी स्पेंड नहीं करना चाह रहे तो आपकी फेवरेट जो कलर पैलेट है उसी को ही चूज़ कीजिए, क्योंकि एक टेंडेंसी होता है जो हमारी फेवरेट कलर होते हैं हम उसी के आसपास के डेकोर प्रोडक्ट्स ज़्यादा बाई करते हैं। तो जैसे कि मेरे पास में ब्लू एंड ये ग्रीन, ये जो कलर है ये बहुत अबंडेंटली इस कलर की डेकोर प्रोडक्ट मेरे पास बहुत सारे हैं। बट इन कॉन्ट्ररी अगर दूसरे कलर के लिए मैं सोच रही हूँ या रेड या ऑरेंज ऐसे कलर की डेकोर आइटम मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है तो मुझे ख़रीदने पड़ेंगे ऑब्वियसली। तो मैंने यहाँ पे एक ग्रीन कलर को चूज़ किया है और इसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत सा एक ग्रीन कॉर्नर इस तरीके से क्रिएट किया है। सो आप बताइए कैसा लग रहा है, आप भी ये कर सकते हैं और बहुत ही एक रिफ्रेशमेंट लाता है, एक फ़न एलिमेंट लाती है। सो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। और भी एक तरीके से आप कलर ऐड कर सकते हैं, एक पॉपअप कलर आप ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे रेड एंड येलो यूज़ किया है, ब्राइट रेड एंड ब्राइट येलो, और उसके साथ ये बग, ये मेरी नई एडिशन है, मैंने इसे लिया है एक लोकल शॉप से। तो आप देख सकते हैं इतना ब्राइट और ब्यूटीफुल लग रहा है, कोई भी जगह को स्प्रूस अप करने के लिए ऐसे ब्राइट पॉपअप कलर आप यूज़ कर सकते हैं। सो माई नेक्स्ट आइडिया इज़ लाइफ प्लांट्स। तो लाइफ प्लांट्स के बारे में अलग से मैं क्या कहूँगी, ये जहाँ पे आप ऐड करते हैं वहाँ पे जान ला देती हैं। तो आपकी बालकनी में कोई भी प्लांट्स हो तो उनके कटिंग आप रख सकते हैं इंडोर में, या इंडोर प्लांट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे अच्छे पॉट्स में उसमें रखिए, अगर आपके पास खूबसूरत पॉट नहीं है तो आप क्रॉकरी यूनिट में थोड़ा सा झांकिए और उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे बोल या कुछ ना कुछ तो मिल ही जाते हैं, ग्लास मिल जाते हैं, तो उनमें भी अगर आप प्लांट रख देते हैं तो वो बहुत ही एरिया जो है पर्टिकुलर एरिया वो बहुत ही लाइवन अप हो जाता है। एंड अगर आपके कोई भी कॉर्नर में उतना ज़्यादा लाइट नहीं आता है तो आप फेक प्लांट भी यूज़ कर सकते हैं, आजकल कहीं सारे ऑप्शंस है। तो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है वो है लाइट। बिना लाइट की कोई भी जगह अच्छे मूड नहीं ला सकती है, और फेयरी लाइट की तो बात ही कुछ अलग है, और अभी अभी गए हैं ये सब फेस्टिवल्स तो आपके पास फेयरी लाइट या कोई भी लाइट ज़रूर होंगे, तो उसे इस तरीके से आप डिस्प्ले कर सकते हैं। कोई भी ग्लास अगर आपके पास वेज है तो उसमें रख सकते हैं, नहीं है तो जो नॉर्मल हम जिस ग्लास में पानी पीते हैं उस ग्लास को भी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। सो अगर कहीं पे प्लग पॉइंट नहीं है तो बैटरी ऑपरेटेड लाइट भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक बहुत अच्छे से एम्बिएंट जो लाइट होते हैं उसकी इफ़ेक्ट क्रिएट कर देती है ये, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है कैंडल्स, सेंटेड कैंडल्स। तो वो देखने में जितनी सुंदर लगती है उसकी स्मेल भी उतने अच्छे लगते हैं, तो इंस्टेंटली आपके घर के जो मूड है वो चेंज हो जाएंगे। सो आप ज़रूर यूज़ कीजिए, अगर आपके पास ऐसे सेंटेड कैंडल्स नहीं हैं तो आप घर पर भी बना सकते हैं। दिवाली के बचे कुचे कैंडल्स जो हैं उसके आप मेल्ट करके कोई भी एरिया में ऐसे बना सकते हैं। मैंने एक बनाई थी, ये जो स्क्वायर बोल में आप देख रहे हैं ये लास्ट ईयर मैंने बनाई थी, और इसकी वीडियो भी अपलोडेड है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक अटैच कर दूंगी। तो आज इतना ही, कैसे लगा मेरे ये सारे आइडियाज़, अगर कोई भी रीज़न से वीडियो थोड़ी सी अच्छी लग रही है सो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज इतना ही, फिर लौटूंगी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।